ये उनकी दुआ और बरकत के बगैर आप आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकते, बढ़ा ही नहीं सकते। आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हाँ, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बात कह रहा हूँ, हाथ मार के, बड़ी ईमानदारी से, आप काबिल तरीन लोग हैं, आप बहुत काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन आप तमाम लोग अगले 2500 साल भी यहाँ बैठ के मुझसे सवाल करें ना, तो मैं आपको रेफरेंस हदीस ही की दूंगा। आप में इतना अदराक हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी बात पूछ ले मुझसे जिसकी रेफरेंस सहाबी के पास ना हो। इतना बेइज्जती वाला काम है। आप तो 2012 में हैं, आपका अदराक तो बड़ा होना चाहिए। अरे नहीं होता, ये ख्याल होता है हमारा कि हमारे में इल्म ज्यादा है। हर वो सवाल, हर वो जज्बा, हर वो कैफियत जो हमने आज मौजूद है 14 सदियों के बाद, उन सहाबा ने वैसे ही उन्हीं हालात में अल्लाह के रसूल से पूछ के आपके लिए डेटा पैकेज बना के सिर्फ तैयार रखी हुई है। कैसी कमाल बात है, कैसी कमाल बात है। मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, अदराक की बात कर रहा। इसका मतलब अदराक की लिमिट होती है, और अदराक वहीं तक होता है जहां तक अल्लाह चाहे। मिसाल के तौर पर आप ये सवाल करें कि हजूर अल्लाह क्या है, अल्लाह वाला, अल्लाह ने अदराक नहीं दिया। रूह पे जरा गौर फरमाइए, तवज्जो दीजिए। फलसफा हो सकता है, किसी खल्क को नहीं पता कि रूह क्या है, अमर है, ये है, तो बस यहां तक, दैट्स इट। बस खुदा से पहले क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने पता क्या कहा मोहम्मद से। रसूल अल्लाह कहते हैं मोहम्मद तेरी उम्मत तुझसे पूछा करेगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 3 दफा कहा। फिर आखिर में पता तुमसे क्या कहेगी कि हाँ ठीक है, हमने तेरी बात मान ली कि ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, लेकिन ये बताओ अल्लाह को किसने बनाया है। 1450 साल पहले का सवाल जो आज और आने वाली नस्लें करेंगी, अल्लाह ने पहले रख दिया साथ में। इससे बड़ा तो सवाल ही कोई नहीं आपके पास के खुदा कहे क्या। इसी सवाल के जवाब की बुनियाद इल्म है, इसी की जस्तजू है। तमाम अलूम इसे कहते हैं डायवर्सिटी, यूनिटी थ्रू डायवर्सिटी। आप यूनिटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं डायवर्स रास्तों से, फलसफा है। अल्लाह की अब आपने इल्म हासिल कर लिया ना, अब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू मेरे अंदर का रोशन कर दे। मेरे हमारे इस जिल्द के अंदर तो अंधेरा है ना, ये दिल जहां पड़ा हुआ है अंधेरा तरीन है यहाँ पे, ये दिमाग जिस जगह इसने कभी रोशनी नहीं देखी, लेकिन ये रोशन हो सकता है ना, ये रोशन हो सकता है। अल्लाह आलम किससे हो सकता है, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत और बरकत से हो सकता है। जिक्र तो एक लालच है कि अल्लाह मैं तुझे याद कर रहा हूं, तू मुझे याद कर, और जब मुझे ये लगे कि तू मुझे याद कर रहा है तो मैं तब तुझसे ये आरजू करूँ अपने कि अल्लाह तू मेरे इन अंधेरों को उछा कर, बस ये इदराक। और ये वहीं तक खत्म हो जाएगा जहां पे जाके आपका इन अल्लाह के हाँ टकराएगा। अल्लाह ने नहीं बताया, अब हमने इनके जवाब ढूंढने के, ये खतरनाक बात, ये खतरनाक बात है। हमारे पास क्योंकि जवाब नहीं है ना, तो फिर हमने पता है इसने क्या शुरू किया, एक अदारा बनाया। उस अदारे में पता बैठ के क्या करते हैं हम, जिक्र करते हैं, फिर हम आंखें बंद करते हैं। माज़अल्लाह, माफी के साथ अगर कोई ऐसा मेरा भाई और बहन बैठे हैं, क्योंकि मैं जाती तौर पे जाती राय दे रहा हूं, मैं बिल्कुल टोटली डिसएग्री करता हूं। अल्लाह ताला जो है वो रोशनियों की सूरत में नजर आएंगे, सब्ज रोशनी नजर आ गई तो ये अल्लाह के रसूल नजर आ गए। अरे ये नहीं समझ में आता कि सब्ज रंग तो तुर्कियों ने दिया था डोम को, उससे पहले तो ये फरोजी था, और फरोजी रंग कौन सा, जो रुकनुद्दीन आलम के यहाँ टाई लगी हुई है मुल्तान में, उस रंग का था ये डोम, और तो कोना था, इन तुर्कियों ने आके इसको हरा कर दिया, तो हमने रसूल को हरे से मंसूब कर दिया है ना, जहां सफेद से अल्लाह को, आंखें बंद की, बैठे तवज्जो की, और कहा कि अब अल्लाह मेरे पे वारिद हो गया। ये हमने फलसफा पता कहां से लिया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, ये हमने लिया 2 इल्लेजिटिमेट मैरिजेस से, इल्लेजिटिमेट गैर कानूनी 2 शादियां हुई, मजहब की शादियां, एक बुद्धिज्म की और एक हिंदुइज्म की। बुद्धिज्म के अंदर कोई तसव्वुर खुदा नहीं छोड़ा, खुदा अकलमंद आदमी था, उसने कहा जो भी मैंने खुदा से कुछ कहा इन्होंने 70 नाम दे देने हैं उसको, क्योंकि हिंदू साथ हैं,
वो कपल वस्तु में बगैर अल्लाह को नाम दिए मर गया। बुद्धिस्ट नीचे उतरे नेपाल से इंडिया में आए, यहां पे हर शय खुदा थी। अब दो कल्चर्स जब मिलते हैं तो इंटरलिंक तो होगा ना। आपको तो कहे कि मंगनी नहीं करनी, वो क्या कहते हैं उपटन नहीं करना, तो आप कहते ये कैसी शादी है, ये तो नाराजगी वाली शादी है। ऐसे ही होगा ना, कोई है हमारी सुन्नत, लेकिन हमारे ईमान का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह जब मैरिजेस होती है ना, कॉन्सेप्ट्स की, रिलीजन्स की, बुद्धिस्ट आए बगैर तसव्वुर खुदा के, हिंदू थे बे इंतहा तसव्वुर खुदा के साथ, दोनों की इंटरलिंकिंग हुई। बुद्धिस्ट को नेगोशिएट करना पड़ा क्योंकि उनके यहां कोई खुदा नहीं था। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि हर शय जब खुदा तख्लीक करता है तो खुदा उसका कोई सदका देता है, यानी कि खुदा को भी अपनी बला टालने के लिए अपनी कायनात में से कुछ सदका करना है। लो बात है, लो लाइफ हो गई। कहा फिर अल्लाह ने जब कायनात बनाई, दुनिया बना ली, तो अल्लाह बड़ा खुश हुआ कि मेरी तकलीफ बड़ी आला है। फिर अल्लाह ने चारों अतराफ में देखा कि अब मैं इसके लिए क्या चीज सदका करूं, तो अल्लाह को कोई शय नजर ना आई। तो फिर अल्लाह बीइंग अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि मैं अपना सदका खुद इस कायनात की तकमील और इसके ठहराव के लिए दे दूंगा। तो गॉड गेव हिज लाइफ टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। अब खुदा किस चीज में माशाल्लाह कन्वर्ट हो गया, एक रूह के अंदर, एक रोशनी और नूर के अंदर, और इस कायनात में घूमता फिरता। वो जो बुद्धिस्ट बैठता है आसन के अंदर, वो कह रहे पता है क्या है, वो अपने अंदर उस रूह खुदावंद को जिसने अपने आप को मार लिया है उसको तारी करता है। फिर जब वो कहता है कि ये हो जाएगा, तो हम कहते हैं बुद्धिस्ट ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस पे तो अल्लाह उतरा हुआ है, ये अल्लाह की जुबान बोल रहा। तो ये तसव्वुर हमने कहां से उठाया, माज़ अल्लाह एक मरे हुए खुदा से। अब इंटर मैरिज हुई हिंदुओं की मुसलमानों से, हमने उस तसव्वुर को भी तो उठाना था ना, हमने उसको कैसे उठाया। अब मैं इस पे क्या कहूं, कश्फे कबूर में, चिल्ले में, कि अब मेरे पे खुदा तारी होगा, और जब मैं हालत कशिफ में हूं तो मुझसे पूछ लेना, मैं जवाब सही दूंगा। अगर ये सुन्नत रसूल होता तो मैं सही समझता। अल्लाह के रसूल ने कशिफ में नहीं, इल्हाम से बात बताई। सो ये पैराडाइम्स हमने जो इतने इंटरमिक्स कर दिए, तो कुछ तो होना था ना। आपके पहले सवाल का जवाब, मेरी बहन ने एक बात की कि बच्चों की तरबियत हम अच्छी नहीं कर सकते तो अब क्या करें, इसका जवाब है अब हाथ मले और खामोशी से बैठे, क्योंकि वक्त का कोई रिवर्स गियर नहीं होता, वक्त कभी अपने आप को वापस लेकर नहीं जाता। इसलिए खुदा के वास्ते हाथ बांध के, ये जितना एनजीओ टाइप एजुकेशन है ना, इससे परहेज ना करो, लेकिन इसके ऊपर एक क्रिटिक जरूर करो। कितनी अजीब बात है कि मैं अगर आज एक स्पॉन्सर लेकर न्यूयॉर्क में जाऊं और कहूं कि मैं यहां पे एक स्कूल खोलना चाहता हूं जो अमेरिकन सिलेबस पढ़ाएगा, लेकिन जब मैं उसमें हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो अमेरिकन हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, अमेरिकन भी पढ़ाऊंगा लेकिन ग्रीक्स से शुरू करूंगा और आज तक आऊंगा। आप में से कोई मुझे इजाजत लेकर दे सके तो दे दे, मैं उसको स्पॉन्सर करने को तैयार हूं। अमेरिकन कभी नहीं खोलने देंगे स्कूल, क्योंकि वो अपने बच्चे को जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से, वो सिर्फ अमेरिकन हिस्ट्री होती है, इसलिए उनके अंदर इतना नाक और तकबर होता है। वो कहते हैं ही हम, उसने पढ़ी अमेरिकन हिस्ट्री है, वो कहते हैं हम ही तो सिविलाइजेशन है, और कौन लोग थे, वो नहीं पढ़ने देंगे आप। लेकिन अल्लाह का फजल पता क्या है, पिंडी ले लें, इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, कराची ले लें, आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में दाखिल कराएंगे जहां अमेरिकन हिस्ट्री है, मुस्लिम हिस्ट्री है ही नहीं। ऐसा ही होगा ना, फिर आप अपने बच्चे को उसको मदरसे में दाखिल कराएंगे जो अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम का पेशेंट होगा, टांग खराब होगी या मेन स्ट्रीम नहीं लेके आ गया हाफिज बने। आप अपने उस बच्चे को हाफिज क्यों नहीं बनाते जो डीएमजी ग्रुप में टॉप करते, उसको क्यों नहीं बनाते। अल्लाह का काम वो लोग क्यों नहीं करते जो बहुत अच्छे एक्सेलेंट सर्जन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं।
अल्लाह का काम एक टांग वाला क्यों करता है, दो टांगों वाला क्यों नहीं करता? ये उस बच्चे का कसूर नहीं है मेरी बहन, ये पेरेंट्स का कसूर है। हमने अंडरमाइन किया है सीरत को और सूरत को अडॉप्ट कर लिया है।